यूपी के अलीगढ़ में हादसे के बाद बरपा हंगामा, गोलीबारी में एक शख्स की जान गई, 6 घायल, उपद्रवियों ने जलाई गाड़ियां। सासनी गेट पर हंगामे के बाद भारी पुलिस बल तैनात, ई रिक्शा और बाइक की टक्कर के बाद बढ़ा विवाद। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर कैफियत एक्सप्रेस दो हिस्सों में बटी, दो बोगियों के बीच कपलिंग खुलने से हुआ हादसा। मुरादाबाद में हिंदू डिग्री कॉलेज में पूर्व छात्र ने फायरिंग की, पुलिस ने किया गिरफ्तार। हुबली में 3 कश्मीरी छात्रों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन, देशद्रोह का लगाया आरोप। जामिया लाइब्रेरी कांड को लेकर पुलिस और जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के बीच वीडियोवार जारी, कोऑर्डिनेशन कमेटी के वीडियो के बाद दिल्ली पुलिस ने जारी किए 2 और वीडियो, कुल 6 वीडियो सामने आए। वीडियो में दिख रहा है जामिया यूनिवर्सिटी कैंपस का गेट, पुलिस वालों को पत्थर मारते हुए नजर आ रहे हैं 15 से 20 नकाबपोश। जामिया यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में चेहरा ढके हुए लोग नजर आए, क्राइम ब्रांच का दावा, 15 दिसंबर को जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी कैंपस में मौजूद थे पत्थरबाज। क्राइम ब्रांच का दावा, एसआईटी जांच से साफ हो जाएगा जामिया मिलिया में 15 दिसंबर की तस्वीर क्या थी। लाइब्रेरी के भीतर चेहरा ढके सुरक्षा कर्मियों के वीडियो पर क्राइम ब्रांच की सफाई, कहा आंसू गैस का हुआ था इस्तेमाल, इससे बचने की कोशिश थी। जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के छात्र शाइन मुजीब की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और केजरीवाल सरकार से मांगा है जवाब। जामिया के छात्र का आरोप, 15 दिसंबर को पुलिस ने लाइब्रेरी में घुसकर निर्दोष छात्रों को पीटा था, मुजीब ने मांगा है 2 करोड़ रुपए का मुआवजा। जामिया के वीडियो को लेकर सुलगी सियासत, असदुद्दीन ओवैसी का आरोप, केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस ने झूठ बोला कि पुलिस जामिया यूनिवर्सिटी में दाखिल नहीं हुई। जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के वीडियो पर बोले कपिल सिब्बल, सामने आया पूरा सच, लाइब्रेरी में नहीं घुसने की दलील देने वाली पुलिस ने बेरहमी से छात्रों को पीटा। जामिया में वीडियो को लेकर बीजेपी का पलटवार, कहा पुलिस ने कुछ भी गलत नहीं किया। जामिया के पत्थरबाजों पर बीजेपी ने कसा तान, जीवीएल नरसिम्हा का और सवाल, कंप्यूटर युग में आखिर पत्थरों से कौन सी पढ़ाई कर रहे थे जामिया के स्टूडेंट्स। शर्जील इमाम से जुड़े केस की आज दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई, इसी बीच अलीगढ़ कोर्ट से जारी प्रोडक्शन वारंट को लेकर तिहाड़ जेल पहुंची अलीगढ़ पुलिस। शर्जील पर कसता जा रहा है केस का शिकंजा, अब जामिया हिंसा मामले में भी जेएनयू के छात्र शर्जील इमाम की गिरफ्तारी। जामिया हिंसा मामले में सबूत मिलने पर शर्जील पर कसा शिकंजा, दिल्ली को डिस्टर्ब करने की विवादित पैम्फलेट मिलने के बाद गिरफ्तार किया गया। इससे पहले एमयू में आसम को भारत से काटने वाला विवादित बयान देने पर जहानाबाद से गिरफ्तार किया था शर्जील को, राजद्रोह का दर्ज हुआ है मामला। शाहीन बाग में 2 महीने से चल रहे धरने पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा विरोध का अधिकार है लेकिन रास्ता रोकने का अधिकार नहीं। शाहीन बाग को लेकर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी, कहा अगर हर कोई सड़क पर आ जाएगा तो कैसे होगा। शाहीनबाग की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने विरोध प्रदर्शन को बताया लोकतांत्रिक, लेकिन कहा नहीं टूटनी चाहिए सीमा। शाहीनबाग के प्रदर्शनकारियों से बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किए 2 वार्ताकार, साधना रामचंद्रन और संजय हेगड़े कल करेंगे बातचीत। शाहीनबाग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए, 24 फरवरी को फिर होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट के रुख का शाहीनबाग के प्रदर्शनकारियों ने किया स्वागत, साथ ही कहा सीएए वापस नहीं होने तक जारी रहेगा धरना। शाहीनबाग के प्रदर्शनकारियों पर पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष का विवादित बयान, का विपक्ष ने इन्हें बिरयानी खिलाने के लिए बैठाया है, जानवर से तुलना की। हमें बोलते चाहिए जरा शिक्षा पीछे आछे, आर्थिक दिक दिए पीछे आछे, सही समस्त लोकेदर के बिरयानी खाइए, टाका दिए रास्ता पसाना हो। प्रियंका करात तो चिदम्बरम पर बरसे दिलीप घोष, कहा दिल्ली का शाहीन बाग हो या कोलकाता पार्क सर्कस, कुछ अशिक्षित महिलाएं इनके इशारे पर धरने पर बैठती हैं। योगी सरकार को बड़ा झटका, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीएए पर प्रदर्शन के दौरान नुकसान की भरपाई के लिए जारी किया वसूली नोटिस पर लगाई रोक। गुजरात में नमस्ते ट्रंप समारोह का आयोजन, ट्रंप के दौरे से पहले अहमदाबाद पहुंचा अमेरिकी दल, 200 से ज्यादा अमेरिकी सुरक्षाकर्मी तैनात होंगे। अहमदाबाद पहुंची ट्रंप की कार, लगेज भी लाया गया। सीएम विजय रूपाणी के मुताबिक अहमदाबाद में 1 लाख से ज्यादा लोग करेंगे ट्रंप का अभिवादन, 24 फरवरी को 2 दिवसीय भारत दौरे पर आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया। डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के साथ अहमदाबाद में रोड शो से साबरमती आश्रम तक 7 किलोमीटर तक भव्य रोड शो भी करेंगे। मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम के उद्घाटन में शामिल होंगे पीएम मोदी और ट्रंप, दो ही जनता को संबोधित भी कर सकते हैं। 24 फरवरी को आगरा में ताजमहल का दीदार भी करेंगे राष्ट्रपति ट्रंप और मेलानिया, दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे सीएम योगी। खेड़े एयरपोर्ट से ताजमहल तक पहुंचेंगे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, 3000 कलाकार पूरे रूट पर करेंगे अमेरिकन राष्ट्रपति का स्वागत। आगरा में ट्रंप के दौरे के मद्देनजर 10,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती, इनमें 65 असिस्टेंट कमिश्नर, 200 इंस्पेक्टर, 800 सब इंस्पेक्टर तैनात।
25 फरवरी को दिल्ली में उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे ट्रंप। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग ने मुस्लिम धर्म गुरुओं से की अपील, सीएए के खिलाफ लखनऊ में घंटाघर पर बैठे प्रदर्शनकारियों को समझाएं। रायबरेली में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया उनका भव्य स्वागत, फतेहपुर से लखनऊ लौटते वक्त लालगंज में रुके थे अखिलेश यादव। जेडीयू से बर्खास्त प्रशांत किशोर राजनीतिक मोर्चे पर आज कर सकते हैं बड़ा ऐलान, बिहार में चुनाव से पहले राजनीति में पुनर्वापसी का प्लान। युवाओं को लेकर पीके ने बनाई अपनी राजनीतिक योजना, सुबह 11 बजे पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके खुलासा करेंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर अब राजनीतिक सारथी नहीं, योद्धा की भूमिका निभाएंगे, पहले बीजेपी, समाजवादी पार्टी, जेडीयू और आम आदमी पार्टी के लिए कर चुके हैं काम। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दमन के कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। आसनसोल के कल्टी इलाके में चोरी की दो आरोपियों की बांधकर हुई पिटाई, वीडियो वायरल हुआ। बिहार के लखीसराय में कन्हैया कुमार पर चंदन गोरे नाम के एक शख्स ने उछाली चप्पल, समर्थकों ने जमकर पीटा। पुलिस कन्हैया पर चप्पल उछालने वाले को मुश्किल से बचा पाई, चंदन कुमार गोरे ने कन्हैया पर गोरे समाज को बदनाम करने का आरोप लगाया था। गया में सीएए के समर्थन में अनोखा प्रदर्शन, हवन कर विरोध करने वालों के लिए मांगी गई सद्बुद्धि। असम के तेताबोर में सीएए के विरोधी और बीजेपी प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। उज्जैन में संतों ने महाकाल एक्सप्रेस में महाकाल की सीट रिजर्व करने पर जताई खुशी, 12 ज्योतिर्लिंगों की भी सीट आरक्षित करने की मांग की। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सीएम कमलनाथ के बीच सियासी घमासान में अब कांग्रेस विधायक आंदल सिंह की एंट्री, कहा कमलनाथ ने मंत्री बनाने का नहीं निभाया वादा, मेरे क्षेत्र के लोग दुखी हैं। आंदल सिंह का आरोप, माफिया पर कार्रवाई के नाम पर लोगों को परेशान कर रहे हैं अधिकारी। इससे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने घोषणा पत्र के वादे नहीं पूरे करने पर अपनी ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की धमकी दी थी। कमलनाथ और सिंधिया के बीच सियासी घमासान पर बोले पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, ये सरकार नहीं बल्कि सर्कस है। मध्य प्रदेश में बुजुर्गों के लिए तीर्थ दर्शन योजना पर कांग्रेस बीजेपी में घमासान, बुजुर्गों को ले जाने वाली ट्रेनें रद्द होने से बीजेपी ने कमलनाथ सरकार पर साधा निशाना। बीजेपी के मुताबिक शिवराज सरकार में शुरू की गई थी तीर्थ दर्शन योजना, इसीलिए रद्द की गई ट्रेनें, 15 फरवरी से शुरुआत थी, अब अगली तिथि भी तय नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब में विक्रम अजीठिया के साथ साझा किया मंच, राजनीतिक गलियारे में तेज हुई अटकलबाजी। सिद्धू के बीजेपी या आम आदमी पार्टी से भी जुड़ने की चर्चाएं, दिल्ली चुनाव में दोनों दलों से सिद्धू ने बढ़ती थी दूरी। अलीगढ़ में आम आदमी पार्टी ने उठाया रसोई गैस के बढ़े दामों का मुद्दा, बढ़ोतरी वापस लेने के लिए मांग की। आज से शुरू हुई यूपी बोर्ड की परीक्षा, यूपी में 7,784 सेंटर पर हो रही है 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं। लखनऊ में परिवर्तन कुंभ का आयोजन, सीएम योगी ने किया उद्घाटन। गोरखपुर में 52 प्राइमरी स्कूलों के बच्चों को अक्षय पात्रा फाउंडेशन के सहयोग से मिल रहा है स्वादिष्ट भोजन, 3,52,000 बच्चों को अक्षय पात्रा के माध्यम से भोजन देने की योजना। श्रीनगर में 3 घर और 3 हाउसबोट जले, करोड़ों का हुआ नुकसान। हैदराबाद को हरा भरा बनाने में जुटी है पुलिस, सीएम केसीआर के 65वें जन्मदिन पर लगाए गए 10,000 पेड़। चंडीगढ़ में तैयार किया गया 1,25,00,000 रुपए का चेस बोर्ड, चेस के मोहरों के लिए इम्पोर्टेड पत्थर का इस्तेमाल किया गया। ग्रेटर नोएडा में एसटीएफ की बदमाशों से मुठभेड़, 6 बदमाश गिरफ्तार, लोनी में कपड़ा कारोबारी की हत्या की फिराक में थे बदमाश। बिहार के सोनपुर में शादी समारोह में खाना खाकर 200 बाराती बीमार हुए, तमाम लोग अस्पताल में भर्ती। रामपुर रियासत के आखिरी नवाब रजा अली खान की संपत्ति के बंटवारे की प्रक्रिया लगातार जारी, 16 वारिसों में हो रहा है बंटवारा। नवाब रजा अली की करीब 1,000 एकड़ की जमीन का अनुमान, विदेश में बने लॉकर में हीरे जवाहरात भरे होने की उम्मीद, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद टूट रहा है लॉकर। यूपी के शाहजहांपुर में कस्तूरबा बालिका विद्यालय में छात्रों से पढ़ाई की जगह कराया जा रहा है सफाई का काम, सामने आया वीडियो। पटना के कालिदास रंगालय में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के सामने संपन्न हुआ फैमिली ड्रामा, टीवी अभिनेता विजय कुमार पर उनकी पत्नी लगाया दूसरी शादी का आरोप, विजय कुमार हुए फरार। सीतामढ़ी में अपराधियों के हौसले बुलंद, गैंगवॉर में इंदर महतो की हत्या, घर से निकाल कर मार डाला गया। सीतामढ़ी में ड्यूटी से लौट रहे दरोगा को पिकअप वैन ने कुचला, अस्पताल में मृतक घोषित किए गए दरोगा राकेश कुमार। गाजियाबाद में पुलिस ने बुलेट में पटाखे जैसी आवाज वाला साइलेंसर लगाने पर बाइक सीज की, युवक को गिरफ्तार किया गया। बरेली में नेशनल शूटर ने लगाई फांसी, पुलिस को नहीं मिला कोई सुसाइड नोट, तफ्तीश जारी। संभल में शादी समारोह में जहरीली शराब पीने से 2 की मौत, पुलिस प्रशासन में हड़कंप।
बुलंदशहर में ग्राम प्रधान की हत्या के विरोध में सड़क जाम, नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर बवाल। दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ी गई 42 लाख रुपए की करेंसी, इत्र की शीशियों में छुपाकर ले जाने की कोशिश थी। पंजाब के लुधियाना में फाइनेंस कंपनी में 30 किलो सोने की लूट हुई, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए लुटेरे। हापुड़ में परीक्षा में नकल रोकने के लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे, कंट्रोल रूम को लखनऊ से जोड़ा गया। जल्दी दूसरे शहरों या राज्यों में रहने वालों के लिए भी वहीं से वोट डालना आसान होगा, नई तकनीक पर चल रहा है काम। भारत के सबसे बड़े ई व्हीकल एक्सपोर्ट 2020 में ओकाया पावर ने पेश की ईवी चार्जर्स और बैटरीज की नई रेंज, आईआईए ने किया एक्सपो का आयोजन। दिल्ली एनसीआर में शुरू हुई स्कूल फीस के लिए लोन की शुरुआत, विवेक ओबरॉय की कंपनी फाइनेंस पीयर ने किया सैनफोर्ड ग्रुप के साथ करार। एचडीएफसी बैंक के एमडी आदित्यपुरी ने बैंक में अपनी कुल हिस्सेदारी का 20% हिस्सा बेचा, जुटाए 156 करोड़ रुपए। सेकेंड हैंड कारों के बाजार में उतरने को तैयार है पोर्शे, भारत में जल्द आ सकता है पोर्शे अप्रूव्ड।